यूक्रेन ने एक बार फिर उत्तर में अपने बंद पड़े चेर्नोबिल परमाणु प्लांट की सुरक्षा को लेकर सनसनीखेज दावा किया। यूक्रेन ने आरोप लगाया कि रूस की सेना ने प्लांट की लेबोरेटरी को लूट लिया है। रूस ने यूक्रेन पर धावा बोलने के पहले ही दिन यानी 24 फरवरी को चेर्नोबिल परमाणु प्लांट पर कब्जा जमा लिया था, जिसके बाद से यूक्रेन लगातार रूस पर चेर्नोबिल परमाणु प्लांट को नुकसान पहुंचाने के दावे कर रहा है। और उसी कड़ी में इस बार उसने ये आरोप लगाया कि प्लांट पर कब्जा किए बैठी रूस की सेना ने प्लांट में बनी नई लेबोरेटरी को लूटकर तबाह कर दिया। यूक्रेन ने दावा किया कि वो लैब प्लांट में रेडिएशन को मैनेज करने के लिए अहम थी और उसमें बेहद एक्टिव सैंपल थे जिनसे रेडिएशन निकलता है। इतना ही नहीं, इसके साथ ये खबर भी आई कि चेर्नोबिल परमाणु प्लांट के पास के जंगलों में आग भी भड़क गई है। 1986 में चेर्नोबिल प्लांट में दुनिया का अब तक का सबसे भयानक परमाणु हादसा हुआ था और आज भी प्लांट से रेडियो एक्टिव पदार्थ लीक हो रहा है। इस वजह से प्लांट से निकले रेडिएशन पर काबू पाने के लिए उसे बरसों से मैनेज किया जा रहा है। लेकिन यूक्रेन लगातार दावा कर रहा है कि जब से रूस ने चेर्नोबिल प्लांट पर कब्जा किया है तब से वहां काम ही नहीं हो पा रहा। और इस बार यूक्रेन के मीडिया में दावा किया गया कि चेर्नोबिल न्यूक्लियर रिएक्टर के पास भड़की आग बड़ी तबाही मचा सकती है। दावा किया गया कि सैटेलाइट से ली गई तस्वीरों में चेर्नोबिल एक्सक्लूजन जोन में कम से कम 7 जगहों पर आग भड़कती देखी गई। हालांकि ये साफ नहीं है कि प्लांट के पास जंगलों में आग कैसे लगी, लेकिन इसका ठीकरा भी रूस पर फोड़ दिया गया। यूक्रेन की संसद ने एक बयान जारी किया जिसमें यह माना गया कि हो सकता है आग रूस की गोलाबारी की वजह से ही लगी हो। हालांकि चेर्नोबिल प्लांट के आसपास जंगलों में आग लगना आम बात है, लेकिन यूक्रेन का दावा है कि चेर्नोबिल न्यूक्लियर प्लांट के 10 किलोमीटर के दायरे में लगी आग काफी खतरनाक हो सकती है, क्योंकि अगर आग यूं ही भड़कती रही तो न्यूक्लियर रेडिएशन धुएं में फैल सकता है और आग तबाही मचा सकती है। 2020 में भी चेर्नोबिल न्यूक्लियर रिएक्टर के पास जंगल में कई दिन तक आग लगी हुई थी, जिसकी वजह से रेडिएशन सामान्य से 16 गुना तक बढ़ गया था। और इस बार यूक्रेन का आरोप है कि प्लांट के रूस के कब्जे में होने की वजह से उसके दमकल कर्मियों को आग बुझाने में दिक्कत आ रही है।